हेलो एवरीवन, पूजा हियर फ्रॉम इजी वास्तु. आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड एस्ट्रोलॉजर. एंड आज के वीडियो में रिगार्डिंग आपके लिए सितंबर मंथ कैसा रहेगा, क्या आपके लिए मैसेजेस आ रहे फॉर ईच एंड एवरी जोडियक साइन, जानेंगे हम टैरो कार्ड्स की मदद से रिलेटेड टू योर लव लाइफ, करियर लाइफ, हेल्थ लाइफ, क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए फॉर दिस मंथ, क्या थीम रहेगी फॉर ईच एंड एवरी जोडियक साइन हम जानेंगे. साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियोस पोस्ट करूँ आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आ जाए. साथ ही साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम और एल्स ऑन फेसबुक फॉर ऑल द डेली अपडेट्स. सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर न्यू ऑफर्स, क्रिस्टल्स के बारे में जानने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं. ऑल्सो मैं ब्लॉग्स भी लिख रही हूँ जोडियक साइंस के ऊपर, वास्तु टिप्स के ऊपर, तो उसकी भी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से आपको मिल जाए. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स फॉर द सितंबर मंथ आपके लिए. विशिंग यू ऑल द गुड लक एंड ऑल द पॉजिटिव वाइब्स फॉर दिस मंथ. थैंक यू सो मच. लेट्स गेट स्टार्टेड. हेलो वर्कर्स, सो यहाँ पर सितंबर मंथ में जो सबसे पहली एनर्जीज़ आपके लिए हाईलाइट होगी, दैट इज़ स्टार्ट ऑफ द मंथ में कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज ऐसी रहेंगी जैसे कि नो आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हो, बट स्टिल आप लाइफ में अनस्टेबल महसूस कर रहे हो. आपको लग रहा है कि नो लाइफ अभी तक सही तरीके से सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही है. मे बी इन योर पर्सनल लाइफ, मे बी आपके करियर लाइफ में, मे बी आपके एजुकेशन सेक्टर में कहीं ना कहीं करियर पाथ सेट नहीं हो पा रहा है, मनी इनकम पैसा सेट नहीं हो पा रहा है. तो स्टार्ट ऑफ द मंथ में काफ़ी हद तक आप डिस्टर्ब या अकेले रहने का मन करेगा, या एक अपनी लाइफ में आंसर्स आप खुद खोजते हुए दिख रहे हैं. तो स्टार्ट ऑफ द मंथ लिटिल डिस्टर्ब्ड एनर्जीज दिख रही हैं आपकी लव लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ में भी एंड इन जनरल करियर में भी. लेकिन सितंबर मंथ में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, स्पेशली इन द मिड मंथ में आपके लिए मैं कहूँगी, अगर किसी से बातचीत भी नहीं हो रही थी तो कम्युनिकेशन भी बढ़ेगी. आपके काम में भी एक पॉजिटिव एनर्जीज दिख रही हैं. जो अभी तक आप मे भी अपने काम में पिछले कुछ हफ्तों से डल या नेगेटिव हो गए थे, तो वो ऑफ कोर्स काफ़ी आगे पॉजिटिव रूप में बढ़ेगा. उसमें अच्छी हीलिंग, बेटरमेंट एंड गुड एनर्जीज दिख रही हैं. बहुत लोगों के लिए, वर्गो राशि वालों के लिए सितंबर मंथ में एक ट्रांजिशन आता हुआ भी दिख रहा है. कहीं अपने जॉब शिफ्ट होकर जॉब चेंज होती हुई दिख रही है. अगर आप चेंज उस टाइप का चाहते हैं तो प्लेस चेंज होती हुई दिख रही है. एब्रॉड जाने के योग बनते हुए दिख रहे हैं. तो ये सारी चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छी सपोर्ट आपको देखने मिलेगी. वहीं साथ ही साथ जैसे हम आगे बढ़ते हैं, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी, सितंबर मंथ में आप ज़रूर अपने पॉजिटिव थॉट साथ में रखें, मैनिफेस्टेशन करते रहें, एक अच्छी इंटेंशन ज़रूर साथ में रखें, और अपनी पूरी की पूरी रीजन आप लगाएं लाइफ में जो भी चीज़ आप कर रहे हैं. बिकॉज अवेयरनेस से आप चलिएगा, बिकॉज ये अवेयरनेस के कार्ड हैं. जो एक पर्सन है वो यूनिवर्स से कहीं ना कहीं अपने थॉट प्रोसेस से कनेक्ट हो रहा है, अपनी ड्रीम्स, अपने गोल्स, अपने इंटेंशन को उसने बड़े क्लियर कट रखा हुआ है कि ये मैं चाहता हूँ. तो इस टाइप की एनर्जीज आप भी अपने साथ रखिएगा. पेशेंस, वर्गो पेशेंस आपके लिए नो आई गेस आई थिंक बहुत बार वर्गो राशि वालों के लिए पेशेंस कढ़ाते हैं, बिकॉज वर्गो एक ऐसी राशि है कि समटाइम्स वो अपने आप में काफ़ी ओवर थिंकिंग भी करते हैं, काफ़ी ज़्यादा एनालाइज भी करते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होती है. मैं अपनी हर वीडियोज़ में कहती हूँ. एंड जीवन में इसलिए कई बार वो काफ़ी हद तक संघर्ष करके सोचते हैं कि भाई कब सक्सेस मिलेगी, कब बात आगे बढ़ेगी. तो इस टाइप की परिस्थितियाँ बन सकती हैं. तो इसीलिए यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि आप कहा जा रहा है कि जो भी बीज आप बो रहे हैं, मान लीजिए उस बीज को भी पेड़ बनने में टाइम लगता है. वो एक डिवाइन टाइम अपना लेगा ही लेगा. अब आप उस पेड़ के पास जाके रोज़ बैठ कर सोचते रहे भाई तो कब ग्रो करेगा, कब ग्रो करेगा, तो उससे कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं. कुछ चीज़ें अपना समय लेती ही लेती हैं. उस तरीके से डिवाइन समय का इंतज़ार करना ही पड़ता है. तो ये आपके लिए मेन चीज़ है. बाकी देखिए, रिलेशनशिप में अगर मिड मंथ के बाद में किसी भी प्रकार की आर्ग्यूमेंट, लड़ाई होती है, तो वो एंड ऑफ द मंथ तक ठीक नहीं होगी. फिर अगले महीने अब जैसी अपडेट आए वैसा पता चलेगा, बिकॉज ये ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस के कार्ड हैं. तो स्पेशली मुझे एंड ऑफ द मंथ में रिलेशनशिप, लव लाइफ में थोड़े बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग आते हुए दिख रहे हैं. सजेशन यही है, अगर इस टाइप की मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो कोशिश कीजिएगा शांति से उसे बात करके सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, तो अच्छा माना जाएगा. और ज़्यादा उसमें बढ़ चढ़ कर आर्ग्यूमेंट करने की सजेशन नहीं आ रहे हैं. यहाँ पर अगर आप देखें, बी वाइज नॉट राइट वर्गोज, यहाँ पर आपको एडवाइस इस मंथ की आ रही है कि कई बार इंसान को सही गलत को छोड़कर ये सोचना पड़ता है कि भाई हमारे मन की शांति कहाँ है, इस सिचुएशन में भलाई क्या है. तो कहते ना कि समझदार बनो, सही गलत के पीछे मत भागो. कई बार गलत होते हुए भी चुप रहना पड़ता है,
तो इस तरीके की सजेशन आपके लिए आ रहे हैं कि बी वाइज नॉट राइट, ठीक है। तो ये ऐसे ना नेगेटिविटी को बाय बाय बोल रहा है कि मुझे नहीं बताना कि मैं सही हूँ या गलत, तुम्हें जो सोचना है सोचो, आई नो हु आई एम, सो वो वाली वाइब है। ऑलवेज थिंक बिफोर यू एक्ट, इसीलिए यहाँ पर सजेशन आ रही है कि किसी भी प्रकार के आर्ग्यूमेंट से अवॉइड कीजिएगा, वो आपको सजेस्टेड नहीं है। सोच समझ कर कोई भी डिसीजन या फैसले आप लेने लिए हैं तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। एंड सोबर आप, सोबर आपका मतलब ये है कि ज़रूर आप कोशिश कीजिएगा, कई बार इंसान फ्रस्ट्रेशन में आकर, ईगो में आकर कोई भी चीज़ गुस्से में कह जाता है तो वो अवॉइड करना है। एंड विद दैट ज़रूर ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि आपका जो भी वर्क एरिया है, आपके जो इतने भी रिलेशनशिप्स हैं, अपनी तरफ से आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिएगा। जो भी आप अप्रिसिएशन करना चाहते हैं, आपको लगता है सही बात है, ज़रूर वो अपने रिलेशनशिप में प्रैक्टिस करते रह कीजिए, आपके लिए अच्छा माना जाएगा। इसके अलावा देखो, आपके लिए वर्गो में सिंपल भाषा में कहूँगी, सितंबर मंथ आपके लिए अच्छा है, पॉजिटिविटी लेकर आएगा, बट क्या करें वर्गोस, पेशेंस के कार्ड आ गए हैं, मूविंग ऑन के कार्ड आ गए, तो ये कार्ड मैं इसको मंथ को आपके लिए एवरेज मंथ कहूँगी। जैसी चीज़ें चल रही है वैसी चलेंगी, कुछ बहुत ज़्यादा मेरे को एकदम ही ड्रास्टिक चेंज वाला कार्ड भी नहीं दिखा है, ना बहुत ज़्यादा बिग कोई फाइनेंशियल गेन के कार्ड दिखे, नॉर्मल जैसी एनर्जी रूटीन आपकी चलेगी चलेगी। एक चीज़ है कि जो ये आपको ये दो कार्ड अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ये थोड़े से ना, जैसे हम कहते हैं ना, पजल्स अभी तक जुड़ी नहीं, तो आपको लगेगा कहने को तो मेरी लाइफ कट रही है, चल रही है, बट अभी भी लाइफ सॉर्ट आउट नहीं हो पाई है, जैसे टुकड़े टुकड़े हैं, यहाँ पर भी ये दो ब्रेकेज हैं, तो आपको अपने काम में डिलेज, अपने पूरे होने में डिलेज, इस टाइप के ना ऑब्स्टेकल फेस आप ज़रूर कर सकते हैं। तो इस तरीके की एनर्जीज को स्टेबलाइज करने के लिए इसलिए यहाँ पर पेशेंस के कार्ड्स आए हैं। अपने कर्म, अपनी कोशिश, अपनी विल पावर तो ऑफ कोर्स आपने जायज़ रखनी है, चाहे आपकी एजुकेशन है, बिजनेस है, आपका जॉब है, जो मर्जी आप कह लो, बट ये टाइप की क्लियर एनर्जी साथ साथ में रखिएगा। और ना कुछ कुछ वर्गो राशि वालों के लिए कुछ बहुत खास मेजर शिफ्ट आ सकते हैं, बिकॉज 1, 2, 3, 4 चार आपके लिए मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं, मतलब समथिंग बिग इवेंट्स आपकी लाइफ में ऑकर हो सकते हैं, बट ये बिग इवेंट्स ऐसे होंगे मोस्टली आपके माइंड में होंगे, जैसे कि आपको कुछ एक बहुत ही बेनिफिशियल आइडिया आ जाए, आपका कोई बहुत ही आपको कोई सोल्यूशन मिल जाए, इस टाइप की एनर्जीज भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। सो यस, ये आपके लिए मुझे ऑल ओवर वाइब एंड एनर्जीज दिख रही हैं वर्गोस, आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। इफ सो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच।